दोस्तों आज हम बात करेंगे इवेक्सा लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 2.89 पर ट्रेड कर रहा है। आज की ट्रेडिंग सेशन में 4.71% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो पिछले एक महीने में 76% की शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है, यानी यहां पर अच्छा खासा रिटर्न पिछले एक महीने में कंपनी ने दिया है। लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात की जाए तो जो पुराने जो जिन्होंने पहले से यहां पर कंपनी के अंदर निवेश कर रखा है उनको काफ़ी अच्छे से याद होगा, काफ़ी ज़्यादा पैनिक इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। और 31 की जो प्राइस थी वहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसको उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक स्प्लिट के बाद भी इसमें इस स्टॉक में कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिला था। और प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में, यानी कि लास्ट के एक साल की अगर बात करें तो 3 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। और पिछले कुछ समय में, पिछले एक महीने के अंदर मोस्टली बात की जाए तो यहाँ पर 76% का शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर अगर बात करें इसका रीज़न, तो मेन रीज़न अगर माने तो कंपनी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका था और उसके बाद कंपनी के जो क्वार्टर फोर की जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर आने वाली है। अगर कंपनी क्वार्टर फोर की जो अर्निंग्स है अगर बेहतरीन रिजल्ट पुटअप करती है तो ऑब्वियसली ये जो आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है ये कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिल चुका है। एक पेनी स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर इस स्टॉक की अभी आज से कुछ साल पहले जो रियल प्राइस है 31 रुपीज़ के आसपास थी, वहाँ से ये स्टॉक स्प्लिट होता है और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी इसकी प्राइस में कोई स्टॉप नहीं लगता है, कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट ही इस स्टॉक में रहता है। यानी पिछले कुछ समय में 90% तक यह स्टॉक करेक्शन हुआ है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ पर अपवर्ड जो जाने की सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। लेकिन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी है अगर अपन बात करें तो, क्योंकि अगर रिटर्न को देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पिछले एक महीने में रिटर्न दे रही है कंपनी तो। लेकिन उससे पहले अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी पिछले 5 सालों के अंदर -16.6 की कंपनी की सेल्स ग्रोथ है, पिछले 3 सालों की -8.8% की कंपनी की सेल्स ग्रोथ। हालांकि पिछले 1 साल की अगर सेल्स ग्रोथ को देखें तो 41.34 की देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ को अगर देखें तो पिछले 5 सालों में -2.21, पिछले 3 सालों के अंदर 19.62, और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 36% की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है। और अगर कंपनी के पक्ष में अगर पॉइंट देखे जाएं तो कंपनी इज वर्चुअली डेबिट फ्री, कंपनी एज हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज ऑफ रेशियो ऑफ 21.92, कंपनी एज इफिशियंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 50 डेज, एंड कंपनी हैज हेल्थी लिक्विडिटी पोजिशन विद द करंट रेशियो ऑफ 2.79। अगर अपन बात करें लिमिटेशन, तो यहाँ पर लिमिटेशन को अगर देखें तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस के अंदर नेगेटिव में 19.62 की जो पिछले 3 सालों में देखने को मिल रही है, और उसी के साथ जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी -8 पिछले 3 सालों में देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो पुअर आरओई है 2.63 का जो पिछले 3 सालों का यहाँ पर बताया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज इंक्रीज फ्रॉम 19.87 टू 15.35 इन Q1, यानी प्रमोटर के जो प्लेस है उनमें भी इंक्रीज होते हुए आपको नजर आए। कंपनी हैज पुअर ROCE ऑफ 4.01 ओवर द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों की ROE भी कंपनी की आपको यहाँ पर कम बताई गई है। कंपनी हैज हाई डेबिट डेज ऑफ 186, यानी कंपनी के पास जो है यानी हाई डेबिट है। उसके बाद अगर बात करें कंपनी हैज कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 21.84 करोड़, कंपनी हैज नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ 4.88, द कंपनी हैज लो EBITDA मार्जिन ऑफ 29.31 ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात की जाए तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अगर बात करें फ्यूचर की, तो अगर कंपनी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसके कारण आपको यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल और हर चीज़ में, जैसे कि अर्निंग पर से उसी के साथ जो PE है, आपको ROC, कंपनी के हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे नज़र आएगा। क्योंकि प्रेजेंटली अगर देखें तो पेनी स्टॉक आपको इसको मान सकते हैं, और पहले समय में यहाँ पर कंपनी की जो ऑलमोस्ट यहाँ पर डेबिट फ्री भी थी और काफ़ी कुछ अच्छा कंपनी के फंडामेंटल भी एवरेज आप मान सकते थे। लेकिन अभी कंपनी के फंडामेंटल भी यहाँ पर, कंपनी के रिजल्ट भी आपको काफ़ी डाउनवर्ड देखने को मिल रहे हैं, और उसी के कारण यहाँ पर करेक्शन भी आपको देखने को मिला था। फ्यूचर को लेकर अगर बात करें तो कंपनी अगर अपने गुड क्वार्टर रिजल्ट देती है तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में रन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन नहीं आते हैं तो आपको इस स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। यह बात यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्टर को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में अगर रिजल्ट बेहतरीन नहीं देखने को मिलेंगे और जो प्रमोटर्स है वो अपना प्लेज शेयर है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रिजल्ट आने तक आपको, जब तक इस स्टॉक में निवेश करेंगे, जब तक आप अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो कि अविश्वसनीय रूप से
हो जाता है और उसके बाद स्टॉक जो है कंटिन्यूसली अपवर्ड ही मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्ट।